हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम कुरकुरी भिंडी बनाने जा रहे हैं, तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 5-6 भिंडी रखा है काट के दिखाने के लिए कि इसको कट कैसे करते हैं। तो चलिए इसको कट करते हैं। इसको मैंने आगे और पीछे से ये साइड के ये निकाल दिए हैं और इसको बीच से कट किया है और इसको ऐसे लंबे लंबे बीच से चीरा लगा देंगे इस तरीके से। ये देखिए, बिल्कुल हमें इसे पतले पतले चीरा लगाना है इस तरीके से और इसके बीज को हमें निकाल देना है। ये देखिए, ये बीज जो मोटे और बड़े बड़े जो बीज हैं उन सबको इससे निकाल देना है। जो बिल्कुल बारीक वाले जो बीज होते हैं उसको मैंने यहाँ छोड़ भी दिया है। तो ये देखिए, इसको हमने इस तरीके से लंबे लंबे कट कर लिया है यहाँ। ये देखिए, जो बिल्कुल बारीक वाले जो बीज हैं उनको मैंने रहने दिया है। तो मैंने यहाँ 500 ग्राम भिंडी लिया है जिसको मैंने पहले से ही कट करके और रखा हुआ है। ये देखिए, बिल्कुल साफ़ कर लिया है, इसको धो के मैंने कट किया था, इसको कट कर लिया है। अब इसमें मसाले डालते हैं। यहाँ 2 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 2 टीस्पून, काली मिर्च 1/4, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे, एक टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, यहाँ मैंने 1/2 नींबू लिया है तो इसको नींबू को इसी में निचोड़ देंगे। अगर आपको ज़्यादा चटपटा चाहिए तो 1 नींबू डाल दीजिए इसमें। यहाँ 4 टीस्पून मैंने बेसन लिया है, 1 टेबल स्पून चावल का आटा लिया है जो हमारे भिंडी को क्रिस्पी बनाएगा। अब इसमें 2 टेबल स्पून के करीब पानी लिया है, तो पानी बहुत थोड़ा थोड़ा करके हमें मिक्स करना है इसमें और इन सब मसालों को अच्छे से इसमें भिंडी में लपेट देंगे ताकि इसके ऊपर कोट हो जाए अच्छा से सारे मसाले। ये देखिए इस तरीके से। इन सबको अच्छे से कोट करना है ताकि सारे भिंडी पे अच्छे से मसाले चिपक जाए।
ये देखिए इस तरीके से अब इसको हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ मैंने 1 कप तेल लिया है सरसों का। तेल को बहुत ही अच्छे से गरम करना है और बिल्कुल गरम तेल में हमें ये भिंडी डालना है। अब भिंडी डालने के बाद फिर फ्लेम थोड़ा कम कर सकते हैं, मीडियम कर सकते हैं, ये देखिए। और इसको क्रिस्पी होने तक हमें भिंडी को पकाना है। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से कलर होना चाहिए। और ये एक्स्ट्रा तेल मैंने इस तरीके से निकाला है और इसको टिश्यू पेपर के ऊपर रख देंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो टिश्यू एब्जॉर्ब कर ले। तो देखिए दोबारा मैं करके दिखाती हूँ इस तरीके से। ये देखिए और इसको तुरंत तुरंत हमें नहीं चलाना है, एक साइड से जब अच्छा से क्रिस्पी हो जाए फिर हमें इसे पलटना है। बीच में थोड़ा हिला देंगे। ये बहुत ही टेस्टी लगता है तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बनाना बहुत ही इजी है तो एक बार ज़रूर इसको बना के ट्राई करके देखिएगा। इसे चावल दाल के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ भी आप खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है। अभी तक आप लोगों ने इसे ट्राई नहीं किया है तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। ये देखिए इसको निकाल लेंगे। हल्का जैसे ही गोल्डन हो जाए तो हमें इसे निकाल लेना है और बाकी भिंडी को भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ हमारा भिंडी बिल्कुल तैयार हो गया है, ये देखिए बिल्कुल क्रिस्पी भिंडी है। तो आशा करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।